बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम बड़े ही तुनक मिजाज किस्म के इंसान है। कई बार मैदान पर उन्हें गुस्सा करते हुए देखा गया है। मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में एक विवाद खड़ा कर दिया है। मैदान पर साथी खिलाड़ी को मारने के लिए हाथ उठा दिया। हालांकि उन्होंने मारा नहीं, पर विवाद खड़ा होने के लिए इतना काफी था। दरअसल हुआ ये कि मैच के दौरान उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी नासूम अहमद पर हाथ उठाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मैच के दौरान दूसरी पारी के 17वें ओवर में यह घटना घटी, जब खेल रोमांचक मोड पर था। बरिशाल टीम को 19 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत थी और 5 विकेट हाथ में थे। आफिक हुसैन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 17वां ओवर शफिकुल कर रहे थे। उनकी गेंद पर 55 रन पर बल्लेबाजी कर रहे आफिक ने पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम दौड़ते हुए गए और कैच को पकड़ लिया। उस वक्त नासूम अहमद भी कैच के लिए दौड़े, लेकिन रहीम कैच पकड़ चुके थे। दोनों के बीच भिड़ंत हो सकती थी। कैच पकड़कर मुशफिकुर रहीम ने गुस्से में नासूम को मारने की कोशिश की। मामला गर्मा गया और बाकी खिलाड़ियों ने इसके बाद बीच बचाव किया। हालांकि मैच के बाद मुशफिकुर रहीम ने नासूम अहमद से माफी भी मांगी। आपको